Hi everyone, I am Madhu. So friends, today we are going to discuss about all maths formulas of class 9th. So मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें मैंने आपके साथ सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे टिल क्लास 8. और मैंने ये भी डिस्कस किया था दैट फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स. एक टाइप से वो कीज हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. जैसे हम अपने मनी बैंक या फिर गुल्लक में जो भी हमें पॉकेट मनी मिलती है या पैसे मिलते हैं उन्हें सेव करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं और उसे टाइम टाइम पे काउंट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि अभी मेरे पास कितने पैसे हो गए हैं. सो वैसे ही हमें अपने सारे फॉर्मूलाज और रूल्स को रिवाइज करते रहना चाहिए, रिफ्रेश रखना चाहिए ताकि जब भी हमें उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े सो ईजिली वी कैन रिमेंबर देम. और अगर हमें ये हैबिट पड़ जाती है अपने फॉर्मूलाज को अप टू डेट रखने की, उन्हें बार बार रिवाइज करते रहने की, सो यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम इन मैथ्स. एंड इवन आई सजेस्ट यू, आपको कोई सेपरेट नोटबुक या सेपरेट डायरी बनानी चाहिए जिसमें आप अपने सारे मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलाज लिखो ताकि जब भी आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दैट नोटबुक. और जैसे जैसे आपकी क्लासेस हायर होंगे, आप 9th से 10th में जाओगे, 10th से 11th में, तो जो फॉर्मूलाज एड ऑन होते जाएंगे वो आप उसी नोटबुक में एड ऑन करते जाओ, उसी में लिखते जाओ ताकि एक कलेक्शन क्रिएट हो जाए आपकी सारी फॉर्मूलाज की एंड यू कैन जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम दैट सेपरेट नोटबुक और डायरी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथ्स फॉर्मूलाज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक विच इज ऑल मैथ्स फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 9th. तो हम अपनी हमारी बुक की जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे. सो देर आर टोटल 15 चैप्टर्स, लेकिन 15 चैप्टर्स के तो नहीं हो पाएंगे फॉर्मूलाज कवर बिकॉज मैंने 10 चैप्टर्स के कवर करूंगी. मैं 5 चैप्टर्स मैंने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो ज्योमेट्री टाइप या कंस्ट्रक्शन टाइप के हैं जिनमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नहीं है. इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज चैप्टर एंड देयर फॉर्मूलाज. सो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं हम किन चैप्टर के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे. सो इट इज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, फिर चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 6. तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 3, 4 और 5 छोड़ दिए बिकॉज दे डू नॉट हैव सच इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज और रूल्स यू कैन से. देन वी विल डिस्कस चैप्टर 7, 8, 9, देन 10 और 11 छोड़ दिया है, वो कंस्ट्रक्शन टाइप के चैप्टर थे. Then 13, 14, 15 till the last. So there are total 10 chapters. In सभी के हम formulas और rules discuss करेंगे. So let's start with our first chapter, which is number system. So friends, our first chapter is number system. और number system chapter में use होने वाले formulas हम discuss करेंगे. So these are the formulas which are used in the chapter number system. So they are basically laws of exponent. ये laws of exponent है. सो फर्स्ट इज a पावर m इंटू a पावर n, मतलब जब बेस सेम हो हमारे, यहाँ पे बेस क्या है a, सो दिस इज द बेस. जब बेस सेम हो, वो नंबर भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पावर्स हैं वो एड होती हैं. अब बेस सेम मतलब 7 भी हो, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, बेस इज वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स होंगी एड, a पावर m प्लस n. सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a पावर m पावर n, मतलब पावर की पावर है, पावर को भी एक पावर है. सो यहाँ पे a की पावर है m और m की पावर है n, तो ऐसे ऐसे केसेस में जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं a पावर m इंटू n. ओके, जब पावर की पावर हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. थर्ड, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, मतलब बेस सेम है अब यहाँ पे और जो और वो डिवाइड हो रहे हैं तो जो पावर्स होंगी वो सब्ट्रैक्ट होंगी. अब यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी. ओके, सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. फोर्थ लॉ, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, मतलब यहाँ पे दो हमारे पास बेसिस हैं या दो वेरिएबल्स हैं या दो नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी, और दोनों की पावर सेम है विच इज एम, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी होल पावर एम. होल पावर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर है और ब्रैकेट के अंदर दो डिजिट्स हो या दो वेरिएबल्स हो या दो नंबर्स हो, दो कितने भी हो सकते हैं, सो जो वो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब दैट पावर इज फॉर ए ऑल्सो एंड फॉर बी ऑल्सो, सो पावर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. और अगर दोनों पे सेम पावर है सो होल स्क्वायर में होल हम पावर लगा सकते हैं.
not square. Okay, so this is the fourth law of exponent. अब है fifth law of exponent, a power minus m. जब पावर माइनस होती है, नेगेटिव में होती है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए जो डिजिट है या जो वेरिएबल है या जो भी हमारा बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है. न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर की जगह. तो यहाँ पे इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब व्हाट इज देयर, वन इज देयर. ठीक है, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता मतलब वन होता है. तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा वन बाय ए, और जो हमारी पावर है विच वॉज माइनस एम वो हो जाएगी प्लस एम. तो जब भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो उस टर्म का, उस वेरिएबल का, उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है. ओके, सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ए पावर जीरो इज इक्वल टू वन. सो जिस भी नंबर या जिस भी वेरिएबल के, किसी की भी अगर पावर जीरो है सो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है. कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी भी पावर जीरो है या कोई नंबर है उसकी पावर जीरो है, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन. ये हमारा सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सो ये छह लॉ यूज हुए हैं चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम में. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर वन. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल्स. सो फ्रेंड्स, आवर सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स और इस चैप्टर में ये आइडेंटिटीज यूज्ड हैं. सो दीज आर द आइडेंटिटीज यू कैन से और फॉर्मूलाज. और ये आइडेंटिटीज यू कैन से सबसे बेसिक हैं, बहुत ज्यादा इनका यूज है. सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे भी बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें इन आइडेंटिटीज का यूज है. सो यू हैव टू लर्न देम. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. सो जब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, यहाँ हमने वेरिएबल लिया है एक्स और वाई, लेकिन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग. सो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy plus y square. This is the first identity. Second identity, x minus y whole square. तो यहाँ पे x plus y whole square था, यहाँ x minus y square है, whole square है. So it will be x square minus 2xy plus y square. तो आप दोनों identities में change देख सकते हो. यहाँ पे plus 2xy की जगह सिर्फ minus 2xy हुआ है. Rest of the things are same. Third identity, x square minus y square. So it is equal to x plus y into x minus y. This is the third identity. Fourth identity, x plus a into x plus b. अब यहाँ पे जो common term है वो है x. तो x तो same है दोनों brackets में, a और b different है. So identity will be x square plus a plus b multiplied by x plus a into b. That is ab. Fourth identity. Then the fifth, x plus y plus z whole square. तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं x, y और z. तीनों का सम है x plus y plus z और होल स्क्वायर है. सो इट विल बी इक्वल टू x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. So this is the fifth identity. Now let's move on towards the sixth identity. It is x plus y whole cube. तो फर्स्ट आइडेंटिटी थी x प्लस वाई होल स्क्वायर और यहाँ पे है x प्लस वाई होल क्यूब. सो इट विल बी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई. सेवेंथ आइडेंटिटी, x माइनस वाई होल क्यूब. तो दोनों में डिफरेंस है, ये x प्लस वाई होल क्यूब था और ये है x माइनस वाई होल क्यूब. सो आइडेंटिटी विल बी, इस आइडेंटिटी के दो पार्ट्स हैं. ओके, ये दोनों लाइन से इसकी आइडेंटिटी है. ओके, सो फर्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस माइनस, यहाँ पे मैं क्यूब लगाना भूल गई, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. तो चेंज क्या हुआ, जो x प्लस वाई होल क्यूब था उसमें सारे प्लस थे, x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy. तो यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. और सेकेंड पार्ट है, जब आप इस आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे सो यू हैव टू राइट द सेकेंड पार्ट ऑल्सो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. सो दिस इज द सेवेंथ आइडेंटिटी, इट हैज टू पार्ट्स. देन एट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. सो इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय, इन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स.
सो दिस इज द एट्थ आइडेंटिटी. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इन दिस एक्स वाई जेड, ये कुछ भी नहीं है. बस ये फॉर्म आपको रिप्रेजेंट किया है कि जब भी कोई दूसरा वेरिएबल भी गिवन हो या कोई नंबर भी हो तो उसको इस टाइप से हमें सॉल्व करना है. इस आइडेंटिटी की इन आइडेंटिटी की हेल्प से आपको कोई गिवन इक्वेशन या फिर इस टाइप के होंगे तो आपको वैसे सॉल्व करने हैं. सो दीज आर टोटल एट आइडेंटिटीज, यू हैव टू लर्न देम. So now let's move on towards the sixth chapter, which is lines and angles. So friends, now let's discuss about the formulas and rules that are discussed in chapter number 6, which is lines and angles. So this is chapter number 6, lines and angle, और इसमें properties use है, इसमें rules हैं. So any formula is not there, लेकिन rules हैं, that also we are going to study. So there are total 5, तो board पे 4 ही आए. अगला जो 5th point है वो हम आगे discuss करते हैं. So सबसे पहले इनको discuss कर लेते हैं. First point is, if a ray stands on a line, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 degree. मतलब अगर कोई लाइन है, जैसे कोई लाइन है और उस पे कोई रे स्टैंड कर रही है. रे आप सबको पता है रे क्या होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक टाइप से वो एक जगह एंड हो रही होती है और एक जगह से वो एक साइड से इंक्रीज हो रही होती है, इनडिफिनाइटली इनफाइनाइटली प्रोड्यूस होती है, दैट इज अ रे. आपने पढ़ा है. तो अगर कोई लाइन है और उसपे कोई रे स्टैंड कर रही है तो और वो रे जो दोनों एंगल्स फॉर्म करेगी, उन दोनों एंगल्स वो किसके इक्वल होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एग्जाम, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं. ये जो दोनों एंगल्स फॉर्म होंगे इस रे की वजह से, ये इन दोनों का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड इज, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मतलब अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जैसे ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन से, सो ये जो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली क्या होता है, सीधा खड़ा. सो जो ये वर्टिकली, ये वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं ये इक्वल होते हैं, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों एंगल्स हो, दैट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ओके, सो इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. सो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब अगर किसी एक लाइन के दो लाइंस पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये लाइन है और इस लाइन के पैरेलल है ये वाली लाइन और इस लाइन के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ये इस लाइन के पैरेलल है ये दोनों लाइंस, तो ये जो लास्ट वाली दोनों लाइंस है ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी. ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो यहाँ पे गिवन लाइन है बीच वाली और ये जो लास्ट वाली दोनों लाइन है ये बीच वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये जो लास्ट वाली दोनों लाइन है ये भी पैरेलल होंगी. ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. देन द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये आप सबको पता है कि एक ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, उन सबका सम 180 डिग्री होता है. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. नाउ वन प्रॉपर्टी इज लेफ्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी और यू कैन से लास्ट थ्योरम वी हैव टू डिस्कस. सो इट इज, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कोई ट्राइंगल है और उसकी किसी भी एक साइड को हम प्रोड्यूस, मतलब आगे तक खींच दें, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मतलब अगर मान लो कोई ट्राइंगल है और उसकी किसी भी एक साइड को हम प्रोड्यूस कर दें, मतलब आगे तक ले जाएं, उसकी लेंथ बढ़ा दें, जैसे मैंने ये वाली साइड को आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया, सो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये जो फॉर्म होगा, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मतलब अगर ये ट्राइंगल है ए बी एंड दिस इज सी, सो जो ये जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हुआ है, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, विल बी द सम ऑफ
टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर वाले. सो इस एंगल के अपोजिट इंटीरियर कौन से होंगे, ये दोनों एंगल्स. सो दे विल बी द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस एंगल. तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन साइड. ओके, सो ये थ्योरम यही कह रहा है कि अगर किसी भी एक साइड को, इस साइड को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इनका सम is equal to this angle. Okay, so this was the last theorem of this chapter, lines and angles. Now let's move on towards our next chapter, which is triangles. So friends, now let's discuss about the formulas of chapter 7, which is triangles. So is chapter mein basically congruence, is chapter mein triangles ki congruency ke bare mein baat ki hai. So we have five congruency rules. We have five congruence rules. So that we will discuss. So पहला रूल है SAS, which is साइड एंगल साइड congruence रूल. तो ये congruence रूल क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल्स जब congruent होंगे, जब उनकी दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दैट विल बी इक्वल टू द अदर ट्राइंगल. इसमें congruent क्या होता है, दो ट्राइंगल्स अगर इक्वल हैं, दे हैव द सेम dimensions, देन द टू ट्राइंगल्स आर congruent. मतलब वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और वो दूसरा ट्राइंगल है वो भी सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, देन द बोथ ट्राइंगल्स विल बी congruent. तो ये congruence रूल है, मतलब ये रूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे दो ट्राइंगल congruent हो सकते हैं. सो पहला रूल है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, इफ दे विल बी इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स देन दैट देन दोज ट्राइंगल्स विल बी congruent. सेकेंड रूल है SASA, मतलब एंगल साइड एंगल congruence रूल, मतलब दो एंगल्स और उसके बीच के इंक्लूडेड साइड, इफ दे आर साइड इफ दे आर इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स देन दे देन दोज ट्राइंगल्स आर congruent. थर्ड रूल है AAS, एंगल एंगल साइड congruence रूल. ये congruence रूल कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल और एक साइड इक्वल है देन द बोथ ट्राइंगल आर congruent. एंगल एंगल साइड मतलब दो एंगल और एक साइड इक्वल है. देन SSS, साइड 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 congruence रूल, अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं, देन ऑल्सो बोथ द ट्राइंगल्स आर congruent. देन RHS, लास्ट रूल है RHS, मतलब राइट एंगल hypotenuse साइड congruence रूल. तो ये congruence रूल क्या है, अगर कोई राइट ट्राइंगल है और उसके बीच जो राइट ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और उसके सामने वाली साइड को hypotenuse बोलते हैं. सो अगर राइट एंगल और hypotenuse साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में, देन ऑल्सो बोथ द ट्राइंगल्स आर congruent. तो ये पांच congruence रूल हैं, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ओके, फॉर दिस चैप्टर. सो बेसिकली ट्राइंगल्स चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, रूल्स हैं. So now let's move on towards our next chapter, which is quadrilaterals. So friends, now let's discuss the formulas of chapter number 8, which is quadrilaterals. So यहाँ पे भी statements हैं, rules हैं, जो आपको याद रखने हैं. So first is sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Quadrilaterals क्या होता है, जिसकी चार sides होती हैं. So एक quadrilateral के जितने भी angles होंगे, number of angles का sum होगा that will be 360 degree. एक triangle के angles का sum होता है 180 degree. वैसे ही quadrilateral के angle का sum होता है 360 degree. Then the diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. मतलब एक parallelogram का जो diagonal होता है, diagonal क्या होता है, जो line बीच में से pass करती है, that is diagonal. और वो जो diagonal है parallelogram का, it will divide it into two congruent triangles. तो जो parallelogram का diagonal होगा उससे दो triangles form होंगे and those triangles will be congruent. Then third one, the diagonals of a rectangle bisect each other and are equal. So आपको पता है rectangle कैसा होता है और उसके जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं और जो diagonals होते हैं वो equal भी होते हैं rectangle के. Then diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. तो जो rhombus के diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं और उन दोनों diagonals के बीच का जो angle होता है that is 90 degree. Right angles मतलब 90 degree के angle में bisect करते हैं. Then
diagonals of a square bisect each other at right angles and are equal. मतलब एक square के जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं right angles पे, मतलब 90 degree के angle पे bisect करेंगे और वो जो diagonals होते हैं वो equal भी होते हैं length में. Okay? So these are the rules you have to remember in this chapter. So now let's move on towards our next chapter, which is chapter number 9, and that is areas of parallelogram and triangle. So friends, our next chapter is chapter number 9, areas of parallelogram and triangles. तो इस chapter में basically दो ही formulas हैं. As the chapter name says, area of parallelogram and area of triangle. So we have these both formula. So area of parallelogram का formula है base into height, b into h. Base of the parallelogram multiplied by the height. Then area of triangle is equal to 1 by 2 into base into height. मतलब 1 by 2 into base into height मतलब base into height divided by 2. इसका यही मतलब है, क्योंकि base into height को 1 से multiply करेंगे तो obvious ही बात है कि आएगा हमारे पास base into height divided by 2. और base into height है parallelogram के area का formula. Divide by 2 मतलब उसका half. इससे हमें क्या पता लगता है कि एक पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. सो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. दोनों के फॉर्मूलास बहुत ही रिलेटेड है. द हाफ ऑफ द एरिया विल गिव अस द एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में यही दो मेन फॉर्मूलास यूज होने वाले हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर नेक्स्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 12, हेरॉन्स फॉर्मूला. सो फ्रेंड्स, आर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, हेरॉन्स फॉर्मूला. सो इस चैप्टर में भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और सेमी पेरीमीटर ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. सो इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है हेरॉन्स फॉर्मूला. इसको हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं, विच इज अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अब एस क्या है? एस इज फॉर सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ. ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ इज द सेमी पेरीमीटर. और सेमी पेरीमीटर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और सेमी पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू. ए बी सी यहाँ पे साइड्स हैं ट्राइंगल की. ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं. सो ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो तीनों साइड्स को एड करेंगे, इट विल गिव अस द पेरीमीटर. एंड इफ यू डिवाइडेड बाई टू, इट विल गिव अस सेमी पेरीमीटर. तो यहाँ पे इस हेरॉन्स फॉर्मूला में एस क्या है? सेमी पेरीमीटर. सो सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए मतलब फर्स्ट साइड, इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी मतलब सेकेंड साइड, फिर है सेमी पेरीमीटर माइनस सी मतलब थर्ड साइड, और उसका अंडर रूट. ओके, सो दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. और सेमी पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया, पेरीमीटर का हाफ. देन एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, दैट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल. और उसके एरिया का फॉर्मूला है अंडर द रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर इंटू ए स्क्वायर. मतलब अंडर द रूट थ्री डिवाइड बाय फोर, ये तो फ्रैक्शन हो गया. ए स्क्वायर मतलब ए इज द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, उसका स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. So these are the formulas that are going to be used in this chapter. So now let's move on towards our next chapter, which is chapter number 13, surface areas and volumes. So friends, now let's discuss about the formulas of 13th chapter, which is surface areas and volumes. So ये chapter number 13 है surface areas and volumes, और इस chapter में ये सारे formulas discussed हैं. So there are total 15 formulas in this chapter. और सेपरेटली इस चैप्टर पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, विच इन विच आई हैव डिस्कस्ड ऑल द फॉर्मूलाज एंड डिड एवरी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर द एवरी फॉर्मूला. और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो स्टार्ट विद रिवाइजिंग आर फॉर्मूला. सबसे पहला फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. अब सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे हम लैटरल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं. सो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. दिस इज द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो एक फिगर के सारे फॉर्मूलाज मैंने एक साथ लिखे हुए, क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूलाज एक साथ, क्यूब के फॉर्मूलाज एक साथ. सो देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. देन सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर.
और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब। ए क्यूब ए क्या है, वॉल्यूम क्यूब की साइड, जो क्यूब की साइड है उसको हमने ए वेरिएबल से डिनोट किया है। ए क्यूब मतलब उसको 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πR इंटू आर प्लस एच। आर है रेडियस के लिए और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 एंड एच इज फॉर हाइट। सो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πR इंटू आर प्लस एच। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πR² h। देन कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है πRL। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है πR इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3πR² h। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का स्फीयर की एक ही सरफेस होती है विच इज अ कर्व सरफेस, तो उसकी सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πR². देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3πR³। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो कर्व सरफेस हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ। स्फीयर का हाफ अगर हम करें तो हमें मिलेगा हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πR³। देन 2πR², देन टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 3πR². देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3πR³। सो दीज इस चैप्टर में 6 फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इन्हीं के सर्फेस एरियाज, कर्व सर्फेस एरियाज, वॉल्यूम फॉर्मूला के सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर में डिस्कस्ड है। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज फॉर डूइंग दिस चैप्टर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, आर चैप्टर नंबर 14 इज स्टैटिस्टिक्स। सो उसमें बेसिकली दो फॉर्मूलाज हमारे यूज होंगे, एक मीन का फॉर्मूला और एक मीडियन का फॉर्मूला। तो मीन क्या होता है, मीन इज बेसिकली अगर आपको कई ऑब्जर्वेशंस गिवन है सो उन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम, मतलब उन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी उसे डिवाइड कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। और यही हमारा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, जैसे मान लो कोई क्लास है और उस क्लास में कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर आप ऐसे रफली लिखोगे दैट विल बी ऑब्जर्वेशंस। तो उन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन सेकंड फॉर्मूला इज फॉर मीडियन। मीडियन होता है कि अगर कोई भी नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो वैल्यू जो उन ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा उसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन पता भी लग रहा है, मीडियन मतलब मिडल टर्म, जो सारे ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, नंबर ऑफ ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, मतलब 7 हो गई ऑब्जर्वेशंस, तो दैट इज ऑड, देन द मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है तो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का n डिवाइडेड बाय 2, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। सो बेसिकली इस चैप्टर में दो ही मेन फॉर्मूलाज हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर नेक्स्ट चैप्टर विच लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्मूलाज ऑफ आर लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर मान लो रेन, बारिश होनी है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने चांसेस हैं कि रेन होगी, बारिश होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली एक ही फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पी इज फॉर प्रोबेबिलिटी, E इज फॉर इवेंट, मतलब जो इवेंट अकर होगा, दैट इज E, फॉर उसके लिए हमने क्या वेरिएबल लिखा है E,
और पी है प्रोबेबिलिटी के लिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? जिन आउटकम्स में, जिन ट्रायल्स में आपका वो इवेंट आया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने कोई कॉइन टॉस किया है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इवेंट है इट इज हेड, कि हेड कितनी बार आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ हेड. तो अगर कॉइन टॉस किया है एंड इफ वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हेड, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मतलब जितनी बार हेड आया है, जितनी बार हेड, हमें हेड ही चाहिए था, सो दैट इज आवर इवेंट. फेवरेबल आउटकम्स मतलब जितनी बार हेड आया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मतलब जितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया, जितनी बार टेल आया हो, हेड आया हो, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, जितनी बार भी ये रिजल्ट्स आए हैं. तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए हैं या कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आए हैं. सो दैट इज द फॉर्मूला. So we have finished all the chapters, we have discussed all the formulas for all the chapters. All together we have discussed the formulas for 10 chapters out of 15. So I hope you understood all the formulas and enjoyed this video. और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यू शुड मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर और अ डायरी जिसमें आप सारे ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करो, और जैसे जैसे फॉर्मूलाज ऐड होंगे आप उसी नोटबुक में ऐड ऑन करते जाओ, सो दैट अ कलेक्शन विल बी क्रिएटेड. ओके सर, आई विल बी कमिंग बैक विद सम मोर न्यू टॉपिक्स ऑफ क्लास 8 एंड क्लास 9. टिल देन दैट्स इट. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon and share it with your friends. So that's all for this video. Thank you.